नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतनिशिमते वेदान्तस्वामिनः नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य वाले पार्षद देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शेरवे एकादशी वासुदेव गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत की ओर अध्याय एक। भौतिक संसार में दुख क्या है? क्या भौतिक जगत में आनंद की प्राप्ति वास्तव में संभव है? वास्तव में भौतिक दुखों का आरंभ उसी क्षण से हो जाता है जिस क्षण से हम इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं, और फिर ये दुख जन्म जन्मों तक बने रहते हैं। एक बच्चा या किशोर जो 6 से 8 घंटे विद्यालय जाकर पढ़ाई करता है और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अलग से प्रशिक्षण ट्यूशन भी लेता है, तत्पश्चात उसे प्रतिदिन उसके माता पिता भी पढ़ाते हैं विद्यालय में स्वयं को प्रतिस्थापित करने के लिए तथा आज की प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए उसे अपनी पढ़ाई व पाठ्यक्रम पर संतुलित ध्यान रखना होता है। बेचारा बालक, आजकल के माता पिता के लिए सफलता का अर्थ है अधिक धन, गाड़ी, बड़ा घर, समाज में प्रतिष्ठा आदि। इसलिए एक बच्चे के ऊपर उसके माता पिता का एक सफल डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनने का दबाव होता है। वे अपने बच्चों पर एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में प्रवेश लेने का, अच्छी नौकरी या ऊंचा पद प्राप्ति का दबाव डालते हैं। वे अपने अधूरे सपनों का बोझ को अपने कोमल बच्चों के कंधों पर डाल देते हैं। वे बच्चे तथाकथित भौतिक प्रगति और सदा अग्रणी रहने की आशा के बोझ के नीचे दब जाते हैं। पारिवारिक विषयों में प्रेम, विश्वास और सहयोग की कमी के कारण लोग काफी कठिनाइयां झेलते हैं। परिवार के सदस्यों में मतभेद के कारण मानसिक विकार, अति क्लेश और तनाव पैदा होता है। मित्र, सहयोगी और पड़ोसी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए तमोगुणी प्रवृत्तियों जैसे क्लबों, पार्टियों, यात्राओं, रात्रि भोज और देर रात तक चलने वाले कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का दबाव डालते हैं। ये सभी कार्यकलाप धन, समय और ऊर्जा मांगते हैं। इन सब बातों के कारण व्यक्ति धूम्रपान, मदिरा और अवैध संबंध की शरण लेने लगता है, जिनसे मानसिक रोग और स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाते हैं। आधुनिक युग में इतनी प्रतिस्पर्धा है कि एक योग्य स्नातक के लिए भी नौकरी पाना बहुत कठिन है। यदि एक व्यक्ति को नौकरी मिल भी जाए, तब भी उसे अपेक्षित वेतन और एक सभ्य कार्यस्थल मिलना कठिन है। यदि उसे प्रतिष्ठित कार्यस्थल में अच्छी नौकरी भी मिल भी जाए, तब भी वह समय सीमाएं, अतिरिक्त घंटों तक काम करना, नौकरी के लक्ष्य, किसी प्रोत्साहन राशि का अभाव, काम में राजनीति और प्रतिस्पर्धा को लेकर तनावग्रस्त रहता है। साथ में विवाह, बच्चे और वृद्ध माता पिता की देखभाल का उत्तरदायित्व भी होता है। ये सब आधुनिक दुख है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। भौतिकतावादी व्यक्ति मानते हैं कि आनंद का अर्थ है धन कमाना और उसे उन वस्तुओं पर खर्च करना जो उन्हें पसंद है। परिवार कहते हैं आनंद का अर्थ है हमारे ऊपर धन और समय को खर्च करना। कोई व्यक्ति जो खोया धोखेबाज है, वह कहता है मुझे पैसा दो और मैं तुम्हें आंतरिक आनंद की अनुभूति करवाऊंगा। दार्शनिक कहता है कि तुम्हें आनंद की अनुभूति उसी मात्रा में हो सकती है जितना तुम दूसरों का भला करो और सकारात्मक विचार रखो इत्यादि लोग। लेकिन वैदिक मत के अनुसार हमें आनंद के लिए वास्तविक ज्ञान की अनुभूति कैसे हो सकती है, इसकी व्याख्या इस पुस्तक में आगे की गई है। कुछ लोग जीवन की सभी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि वे अत्यंत आनंद जीवन जी रहे हैं, लेकिन यदि उनके जीवन और परिस्थितियों का अवलोकन आध्यात्मिक स्तर पर किया जाए तो इस बात की अनुभूति होती है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु से साक्षात्कार। निसंदेह
हम जीवन की सभी सुख सुविधाओं से संपन्न रहे या जीवन में अभाव का सामना करें, लेकिन एक न एक दिन हमें सब कुछ छोड़कर जाना ही होगा, इच्छिक या अनैच्छिक रूप से, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है। इसलिए हम जीवन में चाहे जितना भी सुख सुविधाएं क्यों ना जुटा लें, यह सब शाश्वत नहीं, केवल क्षणिक है। इसलिए भगवद गीता में भगवान इस भौतिक जगत को दुखाल्यम अशाश्वतम की संज्ञा देते हैं, जो दुखों से भरा हुआ है और क्षणिक भी है। अहमुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमां गतिम। भगवद गीता 8वां चैप्टर 15वां श्लोक। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हम सभी दुखों से ग्रस्त हैं। किसी के दुख हमें कम लगते हैं तो किसी के अधिक। जैसे कि किसी को शारीरिक कष्ट है, कैंसर या कोई अन्य बीमारी है, अथवा कोई व्यक्ति अत्यंत निर्धन होने के कारण दुखी है, कोई मानसिक रूप से असक्षम है और कोई संघर्ष कर रहा है। ये सभी कुछ आज के आधुनिक समाज में बहुत ही साधारण बातें हो गई हैं, लेकिन वास्तविक दुखों की परिभाषा है, दुख वह है जो सबके जीवन में समान रूप से आएंगे ही, कोई उन्हें चाहे या ना चाहे, परंतु कोई उनसे बच नहीं सकता। भौतिक जगत के इन दुखों को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया जा सकता है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जैसे कि भगवद गीता में बताया गया है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। भगवद गीता 13.9। इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, इन सब को भगवान ने ज्ञान घोषित किया है, और इनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के दुख। जन्म, इस भौतिक संसार में सामान्यतः हम जन्म को दुख नहीं मानते, परंतु वास्तव में जब हम जन्म लेते हैं और माता के गर्भ से बाहर आते हैं, तब जन्म की पीड़ा को भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 31वें अध्याय में भगवान कपिल देव ने जन्म की पीड़ा की विस्तार से विवेचना की है। माता के गर्भ में जीवात्मा मल मूत्र से भरे एक छोटी सी थैली गर्भ में रहता है, जहां विभिन्न प्रकार के कृमि लगातार उसके शरीर को काटते रहते हैं। बार बार इस असह्य पीड़ा के अनुभव से जीव का कोमल शरीर अत्यंत कष्टप्रद स्थिति में रहता है। इस पीड़ा से वह बार बार अचेत हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि माता अधिक तीखा मिर्च मसालेदार भोजन करती है तो शिशु के शरीर को और अधिक कष्ट सहन करना पड़ता है। उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ रहता है, ठीक एक धनुष की भांति। गर्भ में महीनों तक वह इसी स्थिति में रहता है। माता के गर्भ में जीवात्मा उसी प्रकार रहता है जैसे एक पक्षी पिंजरे में बंद हो और उसे अपने पंख तक फड़फड़ाने की स्वतंत्रता ना हो। जीवन की इस भयावह स्थिति में भौतिक संसर्ग की तो सतहों में कैद वह दोनों हाथ जोड़कर भगवान से निरंतर प्रार्थना करता रहता है कि हे जगत पिता, मैं पतित जीवात्मा इस भयावह बंदी गृह से बाहर कब निकल पाऊंगा। और इसी कष्टप्रद स्थिति में भगवान को वचन देता है कि वह जीवन भर केवल भगवान की सेवा करेगा। पर जैसे ही जीवात्मा भौतिक पदार्थों के संसर्ग में आता है, वह माया के अधीन हो जाता है। वह ईश्वर को एवं अपनी भयावह स्थिति को भूल जाता है कि गर्भ के भीतर उसकी स्थिति एक छोटी सी काल कोठरी के सदृश थी। कारागार में रहने की सबसे विकट और भयावह स्थिति वह है जब एक व्यक्ति को छोटी सी काल कोठरी में घंटों रखा जाए, जिसमें केवल अंधकार हो और किसी से मिलने भी ना दिया जाए।
उस व्यक्ति की स्थिति इस स्थिति की तुलना जन्म लेने से पहले जीवात्मा की स्थिति से की जा सकती है, जिस समय जीवात्मा को एक छोटी सी बंद थैली में उल्टे रह कर घंटों नहीं बल्कि कई महीनों तक जीवित रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यह स्थिति अत्यंत दुखद होती है, जिसकी कल्पना मात्र भी डरा देती है। इसलिए जन्म को एक भयावह कष्ट कहा जाता है। मृत्यु, मृत्यु का अर्थ है भौतिक शरीर की समाप्ति और आत्मा का उस शरीर को छोड़कर किसी और शरीर में स्थानांतरित होना। आत्मा वही शरीर धारण करता है जैसी मृत्यु के समय उसकी चेतना होती है और वह जिस प्रकार के कर्म करता है। मृत्यु बहुत ही कष्टप्रद स्थिति है, क्योंकि हम अपने भौतिक शरीर के प्रति बहुत अधिक आसक्त होते हैं और अपने आप को शरीर ही समझते हैं। वास्तव में हम यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिना नायं भूत्वा भवति वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता 2.20। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि केवल शरीर की मृत्यु होती है, जीवात्मा की नहीं। लेकिन अज्ञानवश जीवात्मा समझता है कि वह शरीर है और आज नहीं तो कल उसे मरना ही होगा। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि हम मृत्यु के विषय में बात भी नहीं करना चाहते। यदि कोई इस विषय पर चर्चा करता है तो उसे अशुभ मानते हैं, जबकि सत्य यह है कि जीवात्मा को मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना होता है। हम अपने शरीर से अत्यधिक प्रेम करते हैं पर इसी शरीर से जुड़े संबंधों जैसे पति पत्नी, बच्चे, घर, धन इत्यादि से ही प्रेम करते हैं। मृत्यु के समय इन सब को छोड़कर जाना ही पड़ता है। जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे की स्थिति में हमारा शरीर बहुत से कार्य नहीं कर पाता, जैसे हृदय की धमनियां सिकुड़ जाती है, हाथ और पैर ठीक से चल नहीं पाते, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, ठीक से सुनाई नहीं देता और स्मरण शक्ति निर्बल हो जाती है। हम ठीक से खाना नहीं चबा पाते, अलग अलग प्रकार का खाना नहीं खा पाते, खा लेते हैं तो पचा नहीं पाते और फिर तरह तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। ये जीवात्मा के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, एवं स्वभरणाकल्पम् तत्कलत्रादयास्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम् कीशान कीनाशा इव गोचरम्। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 30वां अध्याय 13वां श्लोक। उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी प्रकार पहले जैसे सम्मान नहीं प्रदान करते जिस प्रकार कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। यह परम आश्चर्य है कि एक किसान उस बैल को भी साथ का भी साथ छोड़ नहीं रखना चाहता जिसने पूरे जीवन उसकी सेवा की है। वह उसे सड़क पर छोड़ देता है या किसी कसाई को बेच देता है। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी गृहस्थी से अत्यधिक आसक्त होता है, अपने परिवार के लिए कमाता है, उसका संरक्षण करता है। जब वह बूढ़ा हो जाता है और अपने परिवार के लिए कमा नहीं पाता तो उसकी अपनी पत्नी, बच्चे, पुत्र, पुत्रियां और बाकी संबंधी उसे छोड़ देते हैं। यदि साथ रखते भी है तो आदर नहीं करते। कुछ लोग को बूढ़ा होने पर शेष जीवन के लिए वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है, अर्थात बुढ़ापे में अपने परिवार के लोग ही अच्छा व्यवहार तक नहीं करते। इसलिए बुढ़ापा शारीरिक और मानसिक कष्टों का दूसरा नाम है। जो लोग बुद्धिमान है होते हैं वे वृद्धावस्था
आने से पहले ही पारिवारिक आसक्ति छोड़ देते हैं और भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। आदि शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशविहीनम जतम तुंडम वृत्तयो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यत्याशा पिंडम। सभी अंग गल जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, हाथों और पैरों से में शक्ति नहीं रहती। व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, हाथ में डंडा लेकर चलना पड़ता है, फिर भी वह भौतिक इच्छाएं बनाए रखता है। व्याधि बीमारियां, व्याधि रोग का अर्थ है मन और शरीर का ठीक से काम ना कर पाना। जब हम रोगण्य होते हैं तो जीवन असामान्य हो जाता है। ऐसे समय में यह आवश्यक हो जाता है कि हम विश्राम या औषधि द्वारा अपने शरीर की रक्षा करें, उसका ध्यान रखें। कई बार हमें अस्पताल भी जाना पड़ता है। अस्पताल और जेल दोनों ही नारकीय अवस्थाएं हैं, क्योंकि दोनों स्थानों पर जीवात्मा कष्टों को भोगती है। इसलिए इस संसार में डॉक्टर या नर्स के अतिरिक्त तो कोई भी अस्पताल नहीं जाना चाहता। कोई भी ना तो बीमार होना चाहता है, ना अस्पताल जाना चाहता है। इसलिए हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जिम जाते हैं या व्यायाम प्राणायाम ध्यान करते हैं, ताकि अपने शरीर के रोगों से बचा जा सके। कुछ लोग जीवन भर के लिए गतिहीन हो जाते हैं, तो कुछ को कैंसर, एड्स, फोड़ा, अर्धशिरा पीड़ा, जोड़ों का दर्द, कुष्ठ रोग, साइनसिस, रक्तचाप, मधुमेह, मानसिक विकार आदि हो जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त लोग अक्सर ठंड, सिर दर्द, ज्वर, शरीर का दर्द, तुंडिका, शोथ शोथ, चेचक आदि से ग्रस्त रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में अलग-अलग कष्टप्रद रोगों का अनुभव करता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वह शरीर कष्टों को इस प्रकार देखते हैं, जैसे कि भगवद गीता 13.9 में बताया गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग जीवन की चार प्रकार के दुख हैं। इस प्रकार भौतिक संसार में चार प्रकार के मुख्य दुख हैं, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग। जीवात्मा को बार बार जन्म लेकर इनको सहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य और भी दुख हैं, जिन्हें आदि दैविक, आदि भौतिक और अध्यात्मिक क्लेश कहा जाता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और अध्यात्मिक क्लेश। आदि दैविक क्लेश, यह दुख या कष्ट देवी देवताओं द्वारा दिए जाते हैं, जो ग्रहों की गति से जीवात्माओं को प्रभावित करते हैं, जैसे इंद्र, वायु, अग्नि, सूर्य देव या अन्य ग्रहों के देवी देवता। अधिकतर लोग समझते हैं कि देवी देवता केवल सुख समृद्धि ही देते हैं, जबकि सूखा, बाढ़, भूकंप, दावाग्नि आदि का कारण भी देवी देवता होते हैं। इससे दावानल यानी जंगल की आग का उदाहरण लिया जा सकता है, जो करोड़ों एकड़ जमीन और उस पर रहने वाले जीव जंतुओं को पल भर में निगल जा लेती है। सोचिए कि यदि मनुष्य शरीर को जीवित ही जला दिया जाए तो कितना कष्ट होगा। यह अग्नि के देवता अग्निदेव द्वारा संचालित होती है। जल के देवता वरुण देव बाढ़ या सुनामी के कारण बनते हैं और लाखों जीवात्माएं इससे पीड़ित होती हैं। जब पृथ्वी में लोग अधर्म का पथ अपनाते हैं, तब इस प्रकार के कष्टप्रद देवताओं द्वारा दिए जाते हैं। आदि भौतिक क्लेश, यह कष्ट जीवात्माओं को अन्य जीवात्माओं के या जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे छोटे बड़े कीड़े, शत्रु या मित्र, परिवार के सदस्य या संबंधी आदि। उदाहरण के लिए पति पत्नी के बीच की कलह बहुत दुखदायी होती है। यहाँ तक कि कई बार संबंध विच्छेद का भय पैदा हो जाता है, जो भावनात्मक रूप से बहुत तनाव देता है। इस प्रकार के संबंध विच्छेद अत्यंत दयनीय हो जाते हैं। कार्यस्थल में लोगों
को अपने सहकर्मियों से या प्रबंधकों से आलोचना सुननी पड़ती है। मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू अथवा मलेरिया कष्ट देती हैं। कभी हम रास्ते में जा रहे होते हैं और अचानक कोई आवारा कुत्ता काट लेता है। इन सभी को आदि भौतिक क्लेश कहा जाता है। आध्यात्मिक क्लेश वह कष्ट है जो हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क के विकारों से के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारा शरीर अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, इसी प्रकार हमारा मन अलग अलग परिकल्पनाओं से दुखी होता रहता है। कई बार कोई इससे हमसे अपशब्द नहीं कहता, तब भी हमारा मन अपनी कल्पनाओं के माध्यम से कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर लेता है जो हमें बहुत दुख देती है। मानसिक समस्याएं किसी भी अन्य समस्याओं से अधिक दुखदायी होती हैं। ये तनाव, अवसाद, चिंता, परिकल्पना, मानसिक विकार जैसी कई कष्टपूर्ण समस्याओं को जन्म देती है। कई बार मानसिक असंतुलन के कारण कुछ लोग आत्महत्या जैसे जघन्य पाप और या दूसरों की हत्या के द्वारा भयंकर दुखों को जन्म देते हैं। मनुष्य भौतिक आनंद, स्त्री और धन में खोजता है और जो दुखों के कारण है, क्योंकि यह भौतिक सुख कुछ समय के लिए सुख प्रदान करने के बाद लंबा दुख प्रदान करता है। और इस क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को लंबा प्रयास करना पड़ता है, एक गधा बनना पड़ता है। यही भौतिक दुख का सुख का स्वभाव है। इनके अतिरिक्त कुछ और दुख भी इस जीवन के अंग है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य।